कैसा हो अगर बैंड्स की कमी के कारण आपके फोन में 5G चले ही ना। ज्यादातर ब्रांड्स सिर्फ एक ही 5G बैंड का सपोर्ट अपने फोन में दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या N78 बैंड ही काफी है। तो गाइस, हम में से ज्यादातर लोग कोई भी स्मार्टफोन परचेज करने के बाद उसे एटलीस्ट 1-2 साल तक तो यूज करते ही हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये इंश्योर कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो फोन आने वाले 1-2 साल तक काफी अच्छे तरीके से काम करता रहे, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें मिलते रहे और वो फोन हमें पुराना फील ना हो। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमें चाहिए एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन। और आज 2021 में फ्यूचर प्रूफ का मतलब सिर्फ क्या बन के रह गया है? 5G। वेल, 5G फोन परचेज करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बिना आपको बोर किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 5G को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है सब 6 GHz जो कि इंडिया में आएगा और दूसरा है मिलीमीटर वेव 5G। और जो 5G की हाईएस्ट स्पीड है वो मिलती है हमें मिलीमीटर वेव 5G के अंदर, जो कि होती है अप टू 2 Gbps, यानी करीब करीब इसमें 250 MB/s की हमें स्पीड मिल सकती है। अब इतनी स्पीड मिलेगी या ना मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन इसकी थियोरेटिकल स्पीड इतनी ही है। पर दुख की बात यह है कि ये 5G अभी इंडिया में नहीं आएगा आने वाले 5-6 साल तक। इसका रीजन है कि मिलीमीटर वेव 5G की नेटवर्क स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर होती है और इसका इंप्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटर्स को छोटे छोटे टावर्स गली गली में लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मिलीमीटर वेव 5G के बारे में आप इंडिया में भूल ही जाइए। और तभी इंडिया में जितने भी 5G फोन्स अवेलेबल हैं किसी में भी मिलीमीटर वेव 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया। इवन आईफोन्स जिसमें हमें सबसे ज्यादा 5G के बैंड देखने को मिलते हैं उसमें भी मिलीमीटर वेव 5G का सपोर्ट नहीं है। वैसे अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब 6 GHz पर चलने वाले 5G की जो कि इंडिया में आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले 5-6 साल तक हम इसे ही यूज करने वाले हैं। हो सकता है इस साल के एंड तक हमें इंडिया में ये कुछ मेजर सिटीज में देखने को मिल जाए। यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड जो है वो है 900 Mbps, यानी करीब करीब 100-110 MB/s की आपको स्पीड इसमें मिल सकती है। और ये ध्यान में रखिए कि ये इसकी थ्योरेटिकल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड जो आपको मिलेगी वो थोड़ी सी वेरी कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो 5G के स्पेक्ट्रम का हायर बैंड है वो तो है मिलीमीटर वेव 5G, उसके अलावा जो सबसे 5G है उसमें भी 2 बैंड आते हैं, एक तो मिड बैंड और एक लोअर बैंड। मिड बैंड की स्पीड मैंने अभी आपको बताई 900 Mbps, और जो लोअर बैंड है वो 4G का ही थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है जिसे 5G की शुरुआत के लिए इंडिया में स्टार्टिंग में यूज किया जा सकता है। और सब 6 GHz वाला 5G जो इंडिया में आएगा इसे आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका स्मार्टफोन उन बैंड्स को सपोर्ट करेगा जिन बैंड्स का यूज करते हुए इंडियन ऑपरेटर्स 5G को इंडिया में रोल आउट करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, आपको 4G का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इंडिया में सभी ऑपरेटर स्टेट वाइज अलग अलग बैंड्स पर 4G को ऑपरेट कर रहे हैं, ये इसकी पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पर हम अगर दिल्ली का एग्जांपल दें तो दिल्ली में जिन बैंड्स पर सभी ऑपरेटर्स 4G ऑपरेट कर रहे हैं वो है बैंड 1, 3, 5, 8 और 40। अब अगर आपका फोन इन सभी बैंड्स को सपोर्ट करता है तो आप सभी ऑपरेटर्स के 4G को अपने फोन में यूज कर पाएंगे। एक बार के लिए मान लीजिए कि आपका फोन सिर्फ एक 4G बैंड को सपोर्ट करता है, बैंड 8। अब इस केस में आप जियो के अलावा बाकी सभी ऑपरेटर्स के 4G को यूज कर पाएंगे क्योंकि जियो बैंड 8 पर 4G प्रोवाइड करता ही नहीं, इसे होता ही नहीं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ज्यादातर फोन्स में 4-5 4G बैंड का सपोर्ट तो मिल ही जाता है। कैसा हो अगर बैंड्स की कमी के कारण आपके फोन में 5G चले ही ना, क्योंकि 5G के केस में दिक्कत ये है कि ज्यादातर ब्रांड सिर्फ एक ही 5G बैंड का सपोर्ट अपने फोन में दे रहे हैं जो कि है N78। अब क्वेश्चन ये है कि क्या N78 बैंड ही काफी है, और अगर नहीं है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वेल, जो N78 बैंड है ये आता है मिड बैंड 5G के अंदर और इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में सभी ऑपरेटर्स के बीच में कॉमन रहेगा क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लो बैंड 5G पर तो डिपेंड नहीं रहने वाले। अब N78 ही एक ऐसा बैंड नहीं है जिस पर सभी ऑपरेटर्स 5G को रोल आउट करेंगे, इसके साथ में और भी बैंड्स होंगे, लेकिन कुछ कंपनीज रॉयल्टीज और एक्स्ट्रा एंटीना मॉड्यूल्स के कॉस्ट से बचने के लिए सिर्फ एक ही बैंड का सपोर्ट दे रही हैं। और अगर एक से ज्यादा बैंड किसी फोन में सपोर्टेड हैं तो उनमें भी N78 बैंड आपको जरूर प्रेजेंट मिलेगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में मिड बैंड 5G के लिए ये बैंड कॉमन रहेगा। इसलिए सेफ खेलने के चक्कर में कंपनी सिर्फ एक ही बैंड के सपोर्ट को अपने फोन्स में दे रही हैं, जो कि मुझे तो कहीं से भी सेफ नहीं लगता। N78 बैंड के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इंडिया में 5G की शुरुआत हुई लो बैंड 5G से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है, तो यहाँ पर यह बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा क्योंकि लो बैंड 5G में जो 5G का रोल आउट है वो इस तरह से किया जाता है कि जो 4G के एग्जिस्टिंग टावर्स होते हैं उनसे ही 5G की स्पीड प्रोवाइड कराई जाती है। और यहाँ पर ये N78 बैंड किसी काम नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज को ही हैंडल कर सकता है, लो बैंड फ्रीक्वेंसीज के साथ में ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर DSS यानी डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है।
और ऐसे में आपका जो सो कॉल्ड 5G फोन है वो किसी काम नहीं आने वाला। अब कई लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फोन्स में बैंड्स को बढ़ाया जा सकता है। वेल, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंपनी ने मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स को सभी तरह की रॉयल्टीज पे कर रखी हो और फोन में हार्डवेयर पहले से ही मौजूद हो। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए जो ब्रांड्स है वो फोन में हार्डवेयर को लिमिटेड ही रखते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक फोन परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ 5G के बेस पर उसे परचेज ना करें, और अगर आपको एक 5G फोन चाहिए है तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि उसमें मैक्सिमम 5G बैंड्स का सपोर्ट हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।